हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज कक्षा 10 की साइंस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज से आपके इस यूट्यूब चैनल पर साइंस का भी क्लास चलने वाला है कक्षा 10 का। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले साइंस क्या होता है, आखिर विज्ञान क्या होती है, साइंस क्या होती है। तो साइंस का मतलब होता है विज्ञान। साइंस का मतलब क्या होता है भैया? विज्ञान। विज्ञान क्या होता है कि साइंस का जो साइंस होती है उस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। ठीक, आप लोग के मन में आता होगा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, विज्ञान क्या होता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंटिया नामक शब्द से हुई है। हमने क्या बताया, साइंस जो है वो किस शब्द से आया है? सिंटिया शब्द से आया है। और जिस सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। आइए जरा सा लिखते हैं, ये साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? सिंटिया से हुई। किससे हुई? सिंटिया से। और जिसका मतलब क्या होता है? जानना। ये एक कौन सा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है। मैंने क्या बताया, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? सिंटिया से हुई। सिंटिया एक ग्रीक वर्ड होता है। सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। अर्थात साइंस क्या बताती है कि किसी वस्तु के बारे में जानना, किसी वस्तु के बारे में जानना वो हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग जो है, हमने कहा कि ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर से क्या होता है? मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी एक प्रकार की विशेष ज्ञान, एक प्रकार की विशेष ज्ञान, एक प्रकार की विशेष जिज्ञासा ही क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। तो हमने बताया एक दूसरी टॉपिक या दूसरे लाइन में समझते हैं विज्ञान क्या होता है कि किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से। सुसंगठित मतलब होता है, सुसंगठित का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से कैसे उसका गठन हुआ है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, कैसे वो बना है। सुसंगठित क्रमबद्ध यानी एक क्रम से ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे हमने कहा ये मार्कर है, तो इस मार्कर के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित यानी ये किस प्रकार इसका गठन हुआ है, कैसे ये निर्माण हुआ है, और क्रमबद्ध यानी इसके क्रम के बारे में, धीरे धीरे इसके क्रमबद्ध के बारे में यानी क्रम से जानेंगे, वही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता। वही क्या कहलाता आपका? विज्ञान कहलाता। तो एक बार साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुई, जो कि ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जानना। तो साइंस लिखना चाहेंगे तो साइंस क्या होता है? किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध से जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या किसी वस्तु के बारे में जानना, किसी वस्तु का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान आपका तीन भागों में बटा हुआ है। कक्षा 10 की जो विज्ञान है वो आपकी तीन भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग आता है भौतिक विज्ञान। क्या आता है? भौतिक विज्ञान, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? फिजिक्स, PHYSICS। दूसरा भाग होता है केमिस्ट्री, CHE, जिसकी हिंदी होती है रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान, इसकी इंग्लिश होती है CHEMISTRY। तीसरा आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान या जीव विज्ञान, ठीक, जिसकी इंग्लिश होती है BIOLOGY। ठीक, आपकी जो कक्षा 10 की साइंस है वो तीन भागों में बटी हुई है। सबसे पहला भाग आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होती है? फिजिक्स क्या होती है? तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स की जो होता है, भौतिक विज्ञान जो होते हैं वो साइंस की एक प्रकार की शाखा होती है, विज्ञान की एक प्रकार की ब्रांच होती है। देखिएगा, ये विज्ञान की एक प्रकार की क्या होती है? शाखा होती है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, नेचर के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो जरा सा एक टॉपिक उठाते हैं, जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? फ्यूसियस शब्द से हुई। कहाँ से हुई है? फ्यूसियस शब्द से हुई। हमने क्या बताया, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसियस से हुई है। और जो फ्यूसियस का मतलब होता है, फ्यूसियस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। फ्यूसियस का मतलब होता है नेचर। नेचर की हिंदी क्या होती है? प्रकृति। यानी
प्रकृति के बारे में अध्ययन कराने वाला, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन कराने वाला ही क्या कहलाता, आपकी फिजिक्स कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो हम बता सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते होंगे कि आपको फिजिक्स की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। और मैं अनिकेत पाठक आज से अगली क्लास में यही चैप्टर इसी भाग को हम पढ़ाएंगे विज्ञान भौतिक विज्ञान के बारे में। आपकी कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर हम क्लियर कर देंगे, कहीं डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, इसकी दूसरी भाग होती है रसायन विज्ञान, जिसकी इंग्लिश होती है केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या होता है, ये भी विज्ञान की एक ब्रांच होती है, विज्ञान की एक शाखा होती है। हमने क्या बताया, ये भी एक विज्ञान की शाखा होती है। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु के रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, भौतिक परिवर्तन का अध्ययन। इनमें क्या किया जाता है, रासायनिक परिवर्तन का, यानी जैसे भोजन का पकना, दाल का बनना, दही दूध से दही का बनना, इन सब के रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। और जो जीव विज्ञान होता है, विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीव और जंतुओं के बारे में क्या अध्ययन किया जाए, जीव और जंतुओं का के बारे में अध्ययन किया जाए, वो आपका क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग एक बार फिर से बता दिया जाता है भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक समीकरणों को पढ़ा जाता है, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो रासायनिक विज्ञान कहलाते हैं। जीव विज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव और जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, जीव विज्ञान कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के भाग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आज के क्लास में बता दिया जा रहा है, और क्या है वो भी जान लीजिएगा। आज हम लोग कक्षा 10 के साइंस का एक भाग होता है भौतिक विज्ञान, उस भौतिक विज्ञान में आपको किन किन चैप्टरों को, किन किन अध्यायों को पढ़ना है वो हम जानते हैं। तो आपका जो कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है वो दो चैप्टर उसमें पढ़ना है, एक में पूरा प्रकाश पढ़ना है और एक में पूरा विद्युत पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, एक आपकी जो है लाइट पढ़ना है। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश में किनको किनको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका पढ़ना है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले इस अध्याय में आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा, लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। तो जरा सा हम लोग बताते हैं प्रकाश क्या होती है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, क्या होती है, ऊर्जा होती है। मैंने क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये मार्कर है, ये क्या है भैया, मार्कर है। तो ये जब तक प्रकाश की उपस्थिति है ये मार्कर हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर इमेजिन कर लिया जाए कि एक मिनट के लिए इमेजिन कर लिया जाए कि यदि आपके प्रकाश यहाँ पर उपस्थित ना हो, यदि प्रकाश की मात्रा ना हो, तो ये मार्कर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से अंधे किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को देखा जा सकता है। तो इस चैप्टर में, इस भाग में, इस खंड में समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है किसी से टकराकर वापस लौट के आना, किसी से टकराना और वापस लौटना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो वो समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो इस चैप्टर की जानकारी हम लोग अध्याय स्टार्ट करेंगे, आपके स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बता दिया जाएगा। दूसरे में क्या पढ़ना है, गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो गोली पृष्ठ क्या होते हैं, ऐसे दर्पण या ऐसे पृष्ठ जो गोली आकार के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गोली पृष्ठ कहलाते हैं। उनसे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है,
जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने क्या कर लिया कि ऊपर कोई एक वायु ले लिए और नीचे क्या ले लिए, जल ले लिए, क्या ले लिए, जल। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर जल में प्रवेश करती है, हमने अपवर्तन के बारे में जरा सा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जब कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर जब जल में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये अपने मार्ग से जाना तो इनको ऐसे चाहिए था, ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हमने बताया, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलकर प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर कुछ घटनाएं हैं वो पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टेड, हर एक टॉपिक इंटरेस्टेड है। तीसरा आपको लेंस पढ़ना है, लेंस क्या होते हैं, लेंस किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा हुआ, देखिएगा किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेंस एक पृष्ठ हो गए, दूसरे पृष्ठ हो गए, तो किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। अब उत्तल क्या होते हैं, जो किनारे पर क्या हो, पतले हो, और जो किनारे पर क्या हो, पतले हो और बीच में क्या हो, मोटे हो, वो उत्तल लेंस कहलाता है। और जो बीच में पतला हो, किनारे पर मोटा हो, वो एक क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अर्थात इसमें लेंस के बारे में अध्ययन करना है। एक पांचवा आता है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि आपको इस साल यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पढ़ना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये 30% सिलेबस जो कटे हुए हैं उसमें आया है, तब भी हम लोग जो है आपको इस कोर्स में पढ़ा देंगे, क्योंकि जानकारी लेना आपके लिए होता है। अब पेपर में आए या ना आए वो आपको पढ़े पे है, ठीक। तो मानव नेत्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे, मानव नेत्र के भाग क्या होते हैं, मानव नेत्र में दोष क्या क्या होता है वो आपको पढ़ना है। और लास्ट आता है प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इसमें प्रिज्म हम लोग पढ़ेंगे और प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, साथ साथ में वर्ण विक्षेपण, यानी जब कोई प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है तो वो प्रिज्म उसको क्या करती है, 7 रंगों में बांट देती है, तो वो आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ये इस प्रकार आपके साइंस का पहला खंड जो है, फिजिक्स का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। जब हम लोग दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं तो वो पहले पार्ट से छोटा है, क्या है, सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानकारी लेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, सबके घरों में विद्युत धारा प्रवाह होती रहती है, वो विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है अगर किसी कहीं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के कारण जो ताप उत्पन्न होता है वो तापी प्रभाव क्या होते हैं, यानी विद्युत धारा के तापी प्रभाव और विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आपका जो अगला खंड है उसमें एक में तो तापी प्रभाव का अध्ययन करेंगे, एक में चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। विद्युत के कारण चुंबक भी उत्पन्न होता है, विद्युत के कारण ताप भी उत्पन्न होता है, तो दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में ये बात शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि टॉप 10 क्लासेस में आपकी फिजिक्स की क्रैश कोर्स, कक्षा 10 की फिजिक्स की क्रैश कोर्स चलाई जा रही है, और हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बोर्ड के जरिए से इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों के अपने अगली क्लास में फिजिक्स के पहले चैप्टर को लेकर, ठीक। जय हिंद, जय भारत।